हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट का, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है, इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। अब ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। ऊपर की साइड में आपको ये जो मोबाइल फोन की स्क्रीन दे रखी है ना, ये आपको सैंपल में दे रखी है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये बॉक्सेस दे रखे ना, इन बॉक्सेस को आप स्लाइड करेंगे तो आपको और भी बॉक्स आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे मोबाइल पर जो फिंगरप्रिंट का जो आइकन है ना, वो इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ऑफ स्क्रीन पर देखिए इस तरीके का आइकन दिखाई देता है मेरा फिंगरप्रिंट आइकन, ठीक है। अब इसे हम जो है ना चेंज कर लेते हैं। तो आप जो है ना कोई भी दूसरे बॉक्स पे आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके का, या कोई भी बॉक्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई का बटन नीचे की साइड में जरूर दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका ये फिंगरप्रिंट का आइकन है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा एनिमेशन। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है ना ये देखिए इस तरीके से ना ये एनिमेशन दिखाई देगा, ये जो मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग जो है ना आप इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन सेटिंग को ना आप अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको सर्च आइकन का, सर्च आइकन पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, ये देखिए नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का।